नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों महज इस एक उपाय से बाल झड़ने की समस्या से पाए निजात। जी हाँ दोस्तों, महज इस एक उपाय से बाल झड़ने की समस्या से पाए निजात। बालों के पकने और गिरने की एक वजह डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भी है। जी हाँ दोस्तों, बालों के पकने और गिरने की एक वजह डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भी है। आजकल बालों की समस्या आम बात हो गई है। इसके कई कारण हैं, लेकिन गलत खान पान, खराब लाइफ स्टाइल, तनाव और चिंता प्रमुख हैं। विशेषज्ञों की माने तो बालों के पकने और गिरने की एक वजह डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी है, जो कि एक प्रकार का हार्मोन है। यह न केवल अवसाद बल्कि कई ऐसे रोगों को भी जन्म देता है, जिससे व्यक्ति की यौन अवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे व्यक्ति की यौवन अवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह बालों के विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है। जब इसमें असंतुलन पैदा होता है तो बाल पकने और झड़ने लगते हैं। यह असंतुलन तनाव के चलते होता है। अगर आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित करें, साथ ही इस उपाय को जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, DHT यानी कि डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है, जो बालों के विकास के लिए सहायक होता है। इस हार्मोन का संबंध व्यक्ति के स्मरण शक्ति, स्वभाव और एकाग्रता से भी रहता है। अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव होता है तो डॉक्टर्स DHT यानी कि डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन लेवल को नियंत्रित करने के लिए तनाव मुक्त जीवन जीना, डाइट पर विशेष ध्यान देना और सोशल एक्टिविटी करने की सलाह देते हैं। DHT यानी कि डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ दोस्तों, कद्दू के बीज हैं फायदेमंद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए कद्दू के बीज हैं फायदेमंद। कद्दू के बीज में विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर, सोडियम कार्बोहाइड्रेट, आयरन व फोलेट पाए जाते हैं। ये मधुमेह, अनिद्रा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभदायक होते हैं। साथ ही इसके सेवन से DHT यानी कि डायहाइड्रो टेस्टो स्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है। या दोस्तों, कद्दू के बीज के सेवन से DHT लेवल भी नियंत्रित रहता है। अगर आप झड़ते बालों से परेशान हैं तो आप कद्दू के बीज को पीस कर अपने बालों में लगाएं, इससे बालों को आराम मिल सकता है। विशेषज्ञ भी झड़ते बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बालों में कद्दू के बीज के तेल लगाने की सलाह देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी दी है और जो सुझाव दिया है वह एक
सामान्य जानकारी के लिए है, इसे किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर नहीं लें। अगर आपको कुछ ज्यादा ही बीमारी या लक्षण दिखाई दें तो उस टाइम आप अपने डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप झड़ते बालों से परेशान हैं तो कद्दू के बीज का तेल है फायदेमंद, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैंने आपको बताया कि महज इस एक उपाय से बाल झड़ने की समस्या से निजात पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कद्दू के बीज के तेल का उपयोग कर सकते हैं और अपने बालों में लगा सकते हैं, जो कि बालों के झड़ने को रोकने में फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।